हेलो एवरीवन, आई एम वर्खा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब की ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है, ये वीडियो होने वाला है एक व्लॉग। बिकॉज आज के दिन हम लोग जा रहे थे कानपुर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ इस पूरे दिन को शेयर किया जाए। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, मौसम काफ़ी खूबसूरत सा था, बहुत ही अच्छा था, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी। मुझे बारिश वैसे काफ़ी पसंद है, आपको पसंद है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों को नहीं पसंद आती क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है, बट मुझे पर्सनली बारिश बहुत पसंद है और मेरे नाम का भी मीनिंग बारिश ही है, तो इस वजह से भी शायद आप कह सकते हैं कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। तो हम लोग चले थे कानपुर के लिए, तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सब पूरा हजरतगंज इलाका है। वैसे हम लोग गोमती नगर होते हुए गए थे, चारबाग स्टेशन हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग इसी रूट से गए थे। तो काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग कानपुर नहीं गए हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना कानपुर जाया जाए, और मामा जी ने स्पेशली हम लोग को बुलाया था कानपुर, तो हमने सोचा कि चलो फिर चला ही जाए। बिकॉज कोरोना के टाइम में हम लोग कहीं भी नहीं गए थे, तो ये हम लोग का बहुत कहा जाए तो पहला है कि हम लोग लखनऊ के बाहर कहीं जा रहे हैं पहली बार कोरोना के बाद। तो हम लोग पहुँच गए थे चारबाग रेलवे स्टेशन। एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये था कि जो मेरा मोबाइल का जो सिम है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, और मैंने जस्ट एक दिन पहले ही निकलवाया था, तो उसमें ओटीपी की जो सुविधा थी वो बंद थी, तो इस वजह से मेरा जो ऑनलाइन बुकिंग वाला काम है वो नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना जाएं वहाँ पर पता करें, शायद कोई दूसरा अल्टरनेटिव हो वहाँ पर जिससे हम लोग वहाँ से बुक कर सके अपना टिकट और कानपुर जा सके। बट जब वहाँ पे चीज़ें पता हुई तो यहाँ पर एक दूसरी बिल्डिंग है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये एक बिल्डिंग है जो कि नई बिल्डिंग बनी है चारबाग रेलवे स्टेशन में। वहाँ पर एक फॉर्म फिल करना है आपको, वहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल करनी है, आप कौन से ट्रेन से जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं और कितना क्या किराया है, सारी चीज़ें उसमें फिल करनी है एंड देन आपको जाना है। तो अगर बात करें दूर की, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दूर से आते या जाते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, लाइक आप अपना फॉर्म फिल करके इजीली जा सकते हैं। बट अगर कोई पास वाला है, लाइक जैसे लखनऊ कानपुर बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो वो अगर चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट किराया सेम ही हो जा रहा था। तो इस वजह से अगर हम नॉर्मली बात करें, मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो 70 रुपये या 78 रुपये किराया दिख रहा था एंड ट्रेन का ऑलमोस्ट किराया आ रहा था 115 रुपये, तो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ जा रहा था। तो इस वजह से मैंने फिर बस ज़्यादा मुझे बेटर लगी, बिकॉज अगर हम ट्रेन से जाते हैं एंड वो ट्रेन छूट जाती क्योंकि बिकॉज वो सारी डिटेल हमें नहीं मिल पाई थी उस समय किसी रीज़न से, तो हमने बस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी इन कंपैरिजन टू ट्रेन। एंड जब हम लोग कानपुर जा रहे थे तो मैं सोचा क्यों ना रेवड़ी ले ली जाए, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, तो मैंने वहाँ से रेवड़ी भी ले ली थी बिकॉज मुझे रेवड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड लखनऊ की फेमस है ये रेवड़ी। तो अगर आप लखनऊ कभी भी आइए तो रेवड़ी ज़रूर खाइएगा, बहुत महंगी नहीं है, मतलब आपके बजट में आ जाएगी, तो आप वहाँ से रेवड़ी भी ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपने रेवड़ी खाई हो या फिर अगर आपको रेवड़ी पसंद हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से हमने पकड़ ली है बस कानपुर जाने के लिए, तो अब हम निकल चुके हैं कानपुर के लिए। ये है अमौसी हवाई अड्डा जो कि आप सामने देख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। अच्छा, पता है ये क्या किया था इन्होंने, जो हम लोग को पकड़ाया था भेलपूरी के नाम पे, इन्होंने ना हमें बेवकूफ़ बना दिया था, सिर्फ ऐसे नॉर्मल जो लैया होती है वही डाल दिया था उसमें और कुछ भी नहीं डाला था। अच्छा, वहाँ के अगर आप कानपुर जा रहे हैं तो उन्नाव के समोसे तो आपने ज़रूर से ज़रूर खाए होंगे, मेरे तो फेवरेट हैं उन्नाव के समोसे। आपके फेवरेट हैं कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे तो पर्सनली फेवरेट हैं। एंड बस से सम टाइम होता है कि हमें नहीं मिल पाते हैं, इसलिए मैं ट्रेन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज हमें उन्नाव के समोसे खाने होते हैं, तो इस वजह से मुझे ट्रेन ज़्यादा बेटर लगती है क्योंकि ट्रेन में ये सब चीज़ें आती रहती हैं एंड मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये हैं गंगा मैया कानपुर में, क्योंकि कानपुर गंगा मैया के किनारे ही है स्थित शहर, तो फिर हमें हमेशा इनके दर्शन हो जाते हैं, तो आप भी इनके दर्शन कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम कानपुर पहुंच ही गए हैं। अच्छा, निकलने और जाने में, यानी कि लखनऊ से निकलने और कानपुर पहुंचने में ही जो मेन टाइम लगता है वही आपका जो ज़्यादा टाइम लेता है वही होता है। अच्छा, हम लोग पहुँच गए थे, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही, तो हमने सोचा क्यों ना चाट पापड़ी खाई जाए एंड ये चाट पापड़ी लिटरली बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी, हम लोग को मज़ा आ गया, लाइक पूरा दिन के हम लोग निकले हुए थे एंड हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड इसको खा के एकदम मन प्रफुल्लित हो गया, मतलब मज़ा आ गई, लिटरली मज़ा आ गई। एंड इस तरह की चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, लाइक मतलब जो स्ट्रीट फूड टाइप होते हैं ना, और बहुत टाइम से हम लोगों ने खाया भी नहीं था इस तरह का कुछ भी,
तो काफी टाइम बाद जब हमने इसे खाया तो हम लोग को काफी अच्छा लगा खा के। एंड अभी शिवानी के एक्सप्रेशन देखिएगा आप सभी, उनको बहुत ज्यादा पसंद आई थी ये। एंड देखने में तो कितनी लजीज लग रही है ऐसे ही। तो शिवानी ने खाया है एंड अभी इनके एक्सप्रेशन बताएंगे कि ये खाने में कैसी है। और यहाँ पर हमें सेतु भैया लेने आ गए थे घर के लिए। वैसे हुआ तो और भी बहुत कुछ था आज के दिन, बट हम हर चीज रिकॉर्ड नहीं कर पाए एंड मुझे फिर फाइनली वॉइस ओवर देना पड़ा बिकॉज मैं उस टाइम पे बोल भी नहीं पाई थी। मैं भूल गई थी कि मुझे बोलना भी है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है लास्ट में मैं वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो आज तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ रूटीन है नाइट स्किन का वो शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है बायोटिक का आई जेल एंड बायोटिक की नाइट क्रीम। तो इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ड्राई स्किन टाइप के हैं तो फिर आपके लिए क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। एंड जो आई जेल है वो भी मतलब ठीक लगा मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया बिकॉज मेरे डार्क सर्कल नहीं है तो, बट मैंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया बिकॉज कहते हैं कि यूज़ करना चाहिए इस वजह से, तो मैंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। बट जो नाइट क्रीम है वो लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको मॉइस्चराइजर की भी नीड नहीं होगी बिकॉज एक दो बारी मैं से स्किप हो गया बिकॉज मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, तो मेरे ध्यान से ही उतर गया। तो इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप भी इस पर ट्राई दे सकते हैं। एंड अब तो ठंडियाँ आ रही हैं तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, एंड बजट में भी है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। मैंने हॉट पिंक सेल से मंगाई थी तो मुझे सेल में और कम में ही पड़ गई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आगे और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। एंड मैंने ऑलरेडी कुछ ब्लॉग्स डाल रखे हैं, मैंने एक लास्ट वीडियो डाली है बर्थडे वाली, वो काफ़ी अच्छी वीडियो है, जिन्होंने भी देखी है उनको काफ़ी पसंद आई है, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आई थिंक आपको भी वो काफ़ी अच्छी लगेगी अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, एंड आप ही हैं जो मुझे ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड कानपुर से रिलेटेड और भी कई ब्लॉग्स हैं जो कि चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा बिकॉज जल्दी से जल्दी वो सारे ब्लॉग्स मैं अपलोड कर दूंगी, एंड प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। तो यहाँ पे मेरा नाइट स्किन केयर पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे मैं खा रही हूँ रेवड़ी। और बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।